एक दिन में अच्छा सर मालूम था आपको क्या चल रहा है क्या नहीं। ठंडा पानी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो की हाल चाल हैं आप सभी के। तो जैसा कि आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करूँ मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आपको पता ही है पूरी दुनिया की वाट लगी पड़ी हुई है और आई थिंक ये 7th या 8th डे है तब जाके मैं बाहर आ रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो जो मैंने शूट किया था आई थिंक संडे को ही शूट किया था और नाउ टुडे इज संडे और कल था सैटरडे और कल था जनता कर्फ्यू। तो अभी यार दो चार गाड़ियाँ जो आप लोग को रोड पे दिख रही हैं वो भी नहीं कल थी, कल पूरा सन्नाटा था। मतलब हिस्ट्री क्रिएट किया है इंडिया ने जनता कर्फ्यू करके और लोगों ने भी साथ दिया, बट एक प्रॉब्लम यही हुआ कि जो 5 बजे सबको 5 मिनट के लिए ताली बजाना था वो काफ़ी लंबा हुआ, काफ़ी मेसी हो गया था, क्योंकि लोग रोड पे जलूस निकाल के तालियां बजा रहे थे, बर्तने बजा रहे थे। तो जेस्चर तो काफ़ी अच्छा था बट उसको अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाए लोग, बट कोई बात नहीं चलता है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर में ही रहें। तो बस मुझे भी थोड़ा ज़रूरत था तो मैं लोगों से तो दूर ही रहूँगा, अपना काम निकालेंगे और फटक करके वापस आ जाएंगे। हमने सोचा क्यों ना हेलमेट कायम उठाते और आपको भी दिखा देते। अभी ये लिंक रोड पे हूँ मैं और इतना खाली रोड मैंने कभी नहीं देखा था ये छोटे छोटे सिटीज़ में, और यहीं पे ये पूरा ब्लॉक रहता था रास्ता। अभी मैं हूँ इनऑर्बिट के पास और ये पूरा ब्लॉक रहता था, चाहे संडे हो मंडे हो कोई भी डे हो रास्ते एकदम जैम रहते थे। बस मैं सोचा आप लोग को, क्योंकि मेरे व्यूवर जरूरी नहीं है कि मुंबई से, ये बहुत सारे सिटीज़ से हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको दिखा दें कि क्या हालत चल रहा है। लॉकडाउन पूरा महाराष्ट्र में आई थिंक 7th या 8th सिटीज़ में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो चुका है कि सिर्फ ज़रूरतमंद वाली चीज़ें, शॉप्स आपकी खुली रहेंगी, जो डेली यूज़ वाले सामान रहते हैं बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। बस यही है, ये शहर अमन का। ये देखो यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, ओ 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 माँ कसम। देखो हम लोग मिले बट हम लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, दूरी बना के रखेंगे। नहीं 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 नहीं, एक हाथ का अबे अबे मनोटंकी नहीं भाई, दूरी नहीं नहीं हो जाएगा भाई। और हाँ मेरा सैनिटाइजर खत्म हो गया, अभी मेरे को सैनिटाइजर लेना इसके पास है, तो सैनिटाइजर दे भाई थोड़ा सा। मास्क ये वो दूर से भाई, दूर से जिंदगी की, हाँ जिंदगी की दो वो दे ले, तो तीन ले ले। ये देखो ऐसा ऐसा अच्छे से हाथों में लगाने का, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही स्मेल उसका है रे अल्कोहल का, 70% अल्कोहल है ना। अच्छा है ना, और बहुत सारे लोग में वो वैसा महकने लगता ग्रीस। तो एक्चुअली अभी हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि लॉकडाउन है पता आपको मुंबई में, तो हमने सोचा हम पानी की बॉटल्स खरीदेंगे और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको मुंबई पुलिस जहाँ भी मतलब लगा के बैरियर खड़े, क्योंकि दिन भर वो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो इट्स आवर ड्यूटी टू हेल्प देम। आई थिंक यहाँ से ले सकते हैं, ये हमने ले लिया पानी, हाँ उसी में रख ले। हाँ ये थम्स अप के लिए अलग से जगह चाहिए यार, बर्फ वाला कुछ है क्या? अबे इसमें रख दे इसको। अभी हमारा मिशन ये है कि हम पुलिस वालों को ढूंढे। भाई एक हाथ के दूरी पे रहना है यार, तेरा पैसा भी गिर रहा है देख। तेरा मेरा नहीं, इसका 10 रुपया बचा। हाँ अमीर हो जा भाई, अमीर हो जा, अमीर हो जा। हम लोग पानी बांटने के लिए निकले हैं पुलिस वालों को। पानी बांटते हैं? हाँ।
वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोग का भी फर्ज बनता है ना, है ना। अभी रुकते हैं, सर मालूम था आपको क्या चल रहा है क्या नहीं। ठंडा पानी से सर, ठंडा पानी क्या हुआ दे दिया। तो यहाँ पे काफी अच्छा मतलब कर्फ्यू लगा के रखा है कि लोगों को बेफजूल जो आ जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं, तो सही है। वेल डन गाइस, वेल डन, वेल डन ब्रो। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। दे देना उतर के, कुछ पुण्य आप भी कर दें। मैं क्या बोलता है कि हेल्पलाइन नंबर चालू करते हैं क्या, आ जाते पता है। ये सीन देख के ऐसा लग रहा है कि थैनोस ने ना चुटकी बजा दिया, सब गायब हो गए। सो अभी जस्ट राइट नाउ हम लोगों ने पानी डिस्ट्रीब्यूट करके आया और हम लोग को और ज़्यादा मतलब पुलिस वाले मिले नहीं, तो हमारे पास 5 बॉटल था, 4 बॉटल उधर दे दिया और 1 बॉटल हमने वॉचमैन को दे दिया। और मे भी हम कल भी करेंगे और परसों भी, तो हम करेंगे तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। और मास्क वास्क मैंने ले लिया, मेरा सैनिटाइज़र खत्म हो गया, मैं अभी सैनिटाइज़र लूँगा फिर यहाँ से घर निकल जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहना इज़ नॉट गुड, क्या पता। और दोस्त लोग तो इतने एड़े हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब, इसीलिए मैं तो दूर हूँ। तो एक बार शक्ल दिखा दूँगा, शक्ल दिखाना इज़ शुभ। और ये हमारे दो फ्रेंड जिन्होंने हमारे साथ हेल्प किया, तो क्या बोलते हैं, प्लान करते हैं कुछ ऐसा करने का। ऑफ कोर्स तो लॉकडाउन ऐसा कुछ रहता है, करना तो चाहिए, बहुत अच्छा प्लान है, आई एम इन फॉर इट। तो हम कुछ बनाते हैं, कुछ प्लान कि क्या क्या करना है, विल डू समथिंग बेटर, विल डू समथिंग। पैसे वैसे घर से लेके आना, ठीक है। और ये भी नहीं कि माँ के तिजोरी का पैसा नहीं चाहिए, खुद का पैसा चाहिए, नहीं तो जाके चोरी करके आओ। माँ बाप उधर है, तिजोरी उधर रहेगा, घर पे तिजोरी होगा ना कोई। इसके माँ बाप लंदन रहते भाई, और अभी अभी एक हफ्ता पहले मर्सिडीज खरीदा, अभी पार्टी बाकी है। सो बहुत सारी चीज़ें करना है, तो अभी जो सॉरी बीप सब गड़बड़ कर देगा यूट्यूब। सो थैंक यू गाइस। नबी भाई जब मैकडी लेके जा रहे हैं, सुना मैकडी बंद है। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, और मेरा इस वीडियो को बनाने का बस यही मोटिव था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उनकी आप हेल्प करें, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, दैट्स इट, ठीक है। मैंने बोला था ना कि मेरा सैनिटाइजर खत्म हो गया, तो मैंने ले लिया फाइनली। ये तो सैनिटाइजर यूज करता है, पीता है, हाथ पे लगाता है। मैं कहाँ लेके गया था, लेके गया था, लेकिन